फर्स्ट ये जो जिस ब्लॉक से आप लोगों ने अंदर आए, ये जो इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, ऊपर वाले हिस्से में जेलर डेविड बारे उनका रेसिडेंस ऑफिस वगैरह था, और नीचे के हिस्से में पूरे गुडाउन के हिसाब से ब्रिटिशर्स को यूज करते थे। तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आए, देखिए सामने की ओर दो ज्योत जल रहा है, वो है स्वतंत्र ज्योत। ये दोनों ज्योत उन शहीदों के याद में जलाया गया जो लोग यहाँ पे शहीद हुए थे, और उसको जलाए रखने के लिए हर एक महीने जो है 24+24 यानी कि 48 सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इस जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं शहीदों के याद में जलाए रखने के लिए। उसी तरह देखिए ठीक सामने की ओर जो व्हाइट मार्बल जला वो देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये जो है मार्टियर्स कॉलम है, शहीद स्मारक है। तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके याद में बनाया हुआ शहीद स्तंभ पर मार्टियर्स कॉलम है। वो जितना स्पेस कवर्ड है वहाँ पे जो है पहले एक लकड़ी का बिल्डिंग था जो इस जेल का हॉस्पिटल हुआ करता था फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो टूटने के बाद उसको 1985 में शहीद स्मारक का शेप दिया गया। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ ये लाइट एंड साउंड शो के लिए। जनरली क्या होता है शो के दौरान यहाँ पे आपको बिठाया जाएगा और जेल के बारे में हिस्ट्री बताएगी। पीपल का पेड़ है, जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, देखिए देखने में वो पेड़ आपको बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये 100 साल से भी पुरानी है। ओमपुरी जी की आवाज़ में है जो स्टोरी बताती है। 1998 में एक हैवी वेदर में ये पेड़ अप्रूट हो गया था, उसके बाद सेम स्पॉट पे इसके रूट को रीप्लांट किया गया है, इसलिए देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये मोर देन 100 ईयर ओल्ड ट्री है। और ये जो दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये, यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से ब्रिटिशर्स द्वारा उन दिनों यहाँ पे यूज़ किया करते थे। तो देखिए जेल का कंस्ट्रक्शन जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में, यानी कि तकरीबन 13 साल लगा था इस जेल को बनने के लिए। और उसको एक स्टारफिश का मॉडल बनवाया गया जो मैंने आपको अंदर मॉडल दिखाया। तो जो सेंट्रल टावर है उस सेंट्रल टावर के साथ पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया। अब इन सभी विंग्स में जाने का रास्ता जो है सेंट्रल टावर से ही दिया गया, यानी कि अगर किसी को भी अंदर जाना है तो यहाँ से जाएंगे टावर और वहाँ से जो है कनेक्टिंग पैसेज के थ्रू हर विंग्स पे जाने का रास्ता दिया गया, अदरवाइज कहीं से कोई रास्ता नहीं था। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं एक विंग का सामने कैसे है, और अगर उस पर ध्यान देंगे तो देखिए उसके पीछे कैसे है। अगर एक भी कैदी उसके अंदर बंद है या एक सेल के अंदर बंद है, एक रूम पे बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेशन या बातचीत नहीं कर पाएगा, उस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को बनवाया गया। तो ये जो जेल बनाने के लिए जितने भी ब्रिक्स वगैरह यूज हुआ ये सारे अपने कोस्टल एरियाज पर फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू बनवाया गया, उनका लेबर की तरह यूज़ करते थे। लेकिन इस पे जो आयरन बार्स लॉकिंग सिस्टम यानी कि जो भी लोहे वगैरह का आइटम है, ये सारे जो आयरन आइटम्स ये बर्मा से लाया गया। तो उस वक्त इसके अंदर टोटल 7 विंग्स था जिसमें 693 रूम्स थे और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। उस वक्त तो 7 विंग्स था लेकिन आज इस जेल के अंदर आप लोग देख पाएगा सिर्फ 3 विंग्स, जिनमें से देखिए 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, एक इसके बैक साइड में है। तो बाकी के 4 विंग्स जो है वो टूट चुके हैं और टूटने के भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि अर्थक्वेक 1941 में जो हुआ था, उसके बाद 42 से 45 जब जापानियों ने अंडमान को कब्जा किया था तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स वगैरह भी बनाया गया विद द हेल्प ऑफ दैट सेम जो टूटा हुआ जो ब्रिक्स था उसको रीयूटिलाइज किया गया। उसके बाद भारत की आज़ादी होने के बाद 1964 चलते चलते यहाँ पे जो पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, तो अपना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पीछे की जो टूटा हुआ 4 विंग्स था उस एरिया को टोटली क्लियर किया गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ये मेजर 3 रीज़न है जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। जेल को बनवाने का एस्टिमेट कॉस्ट था तकरीबन 5.25 लाख रुपए, ये भी बाद में मेंटेन किया हुआ ना, बाद में तो मेंटेन करते रहते हैं अभी। तो इस जेल को बनवाने का एस्टिमेट कॉस्ट हुआ था उनका 5.25 लाख रुपए, लेकिन जब कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए इसमें इसको कंप्लीट कर दिया। अभी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा हुआ, अभी तो बहुत ज्यादा होगा। 13 साल का वक्त लगा था। इस जेल का जेलर था डेविड बैरी और आर्किटेक्ट था मैकुलन। तो 1938 तक ब्रिटिश इसको यूज़ किया गया, उसके बाद इसको टोटली खाली कर दिया गया। उसके बाद 11 फरवरी 1979 में इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया। तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके पास देखने के लिए है कंडम सेल, फांसीघर, सावरकर जी के रूम, पनिशमेंट पॉइंट, प्लेस फॉर लास्ट, ऐसे बहुत सारा चीज़ देखते हो आप लोग सेंट्रल टावर तक जा सकते हो। ये जो नीचे की ओर जो 4 रूम है, इन 4 रूम को बोलते हैं कंडम सेल्स। कंडम सेल्स उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने पर आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा करेगा, यानी कि गवर्नर जनरल के परमिशन आने तक या फिर मेडिकल फिटनेस होने तक यहाँ पे रखा जाएगा। और जब तक इस रूम पे रहेंगे उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा, और कहते हैं कि उस जमाने में उनको यहाँ पे अच्छा खाना वगैरह प्रोवाइड होता था। वहाँ से जो है यहाँ पे लाया जाएगा, इसको बोलते हैं प्लेस फॉर लास्ट, धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उनसे आखिरी इच्छा भी पूछी जाती थी। तो ये आखिरी इच्छा क्या होता है कि मरने के बाद उनके बॉडी को किस धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम की जाए, उसके बाद फांसीघर की ओर। तो जो फांसीघर अभी आप लोग देखेंगे इसको रेनोवेट कर दिया गया, यानी कि जो वुडन स्ट्रक्चर है इसको बाद में बनाया गया। तो अभी आप लोग इस पर क्या क्या चीज़ें ओरिजिनल देख पाएगा, देखिए आगे से डोर है, डोर से जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे की ओर जो प्लेटफॉर्म दिखेगी प्लेटफॉर्म उसका ओरिजिनल है। उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप लोग देख पाएगा एक ट्रैप डोर, यानी कि जो नीचे की तरह से खुलेगा, ट्रैप डोर इसका ओरिजिनल है। लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा आयरन लीवर है और ऊपर का बीम जिसपे रस्से डाला गया बीम भी ओरिजिनल है, लेकिन 3 जो रस्से इस पर यूज़ हुआ है तीनों को बदला गया है। आप जब ध्यान से देखोगे, आइए
मिक्सर बचाएगा। ये है ट्रैप डोर नीचे का, ये लेफ्ट में आयरन लीवर है और ऊपर का बीम, ये है रोड जिसके बीच में देखिए आयरन रिंग भी है जो स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ने के लिए। ये है रूम जो बनवाया गया जहाँ से बॉडी को नीचे डालने के लिए था, ऐसे नीचे डालेंगे यहाँ से लेते हुए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बनाया गया बॉडी को जी। तो यहाँ पे कितनों को फांसी दिया गया या फिर एक साथ कितनों को दिया गया ऐसा आज हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, क्योंकि 1942 से 45 के दौरान जब यहाँ पे जैपनीज पीरियड था बहुत सारे रिकॉर्ड्स को आइदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया या फिर ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गया। ओके ये जो रखा ऑयल मिल ये ओरिजिनल है, इस पे देखिए पर डे उनको 30 pound कोकोनट ऑयल और 10 pound जो है सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल ब्रिटिशर्स के द्वारा निकलवा देते। अब ये कैसा होता है, नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट है ना कोपरा जिसको बोलते हैं उसको इसके अंदर डाला जाएगा, उसके बाद ये जो रॉड, ये रॉड के बीच के हिस्से में वेट डालता है। अब एक बार वेट डालने से क्या होता है ये एक तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा, उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स को इसको पकड़ते हुए रोटेट स्पीड स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये लोग रुक जाता है लड़खड़ाता है या स्लो डाउन होता है ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इस पे भी जो हमारे पास रिकॉर्ड है जो कैदी ऐसा काम नहीं करता है या फिर काम करने से इनकार करता है ऐसे उनको जो है लोग बाई फोर्सफुली इस पे हाथ बांधने के बाद जैसा कोलू में बैल को चलाते ना कैटल से ऐसा काम करवाते हैं वैसे काम भी करवाते थे। ओके वो देखिए वहाँ से तेल निकलने की जगह दी गई थी, अभी फिलहाल उसको बंद कर दिया गया, उसी का सेम मॉडल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जिसपे ये चीज दिखाया गया कि कैसे काम करवा देते। ठीक है सर, इस जेल के अंदर जितने भी पनिशमेंट्स होते थे उनमें से सबसे टफ होता है फ्लॉगिंग पनिशमेंट। ये जो फ्लॉगिंग स्टैंड आप लोग एक बार की ओर भी देख पाएगा वो लाइट एंड साउंड शो के लिए रखा हुआ है, वैसे हर दो विंग के बीच में एक फ्लॉगिंग स्टैंड होती थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा इन फ्रीडम फाइटर्स को पनिशमेंट देते थे। अब देखिए जिस किसी भी कैदी को ब्रिटिश रूल के हिसाब से फ्लॉगिंग किया जाएगा उनको सबसे पहले टोटली नेकेट किया जाएगा, नेकेट करने के बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पाव को लॉक करते हैं। ये जो फ्लॉगिंग स्टैंड आप लोग देख पा रहे हैं ओरिजिनल फ्लॉगिंग स्टैंड है, इसको हिंदी में बोलते हैं टिक टिकी। तो इनका हाथ और पाव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लोथ रखा जाएगा जिसको आइदर एक बेल्ट या फिर एक रस्से के सहारे बांध दिया जाएगा, उसके बाद पनिशमेंट स्टार्ट होगा। तो जो भी पनिशमेंट देता है ब्रिटिश ऑफिसर हो जमादार टेंडल पेटी ऑफिसर जो भी बिलोंग करता है मैक्सिमम कोड़े मैक्सिमम स्टिक्स जो इनके बटक्स की ओर एक ही जगह पे मारता है, और कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा अगर यहाँ का स्किन्स पड़ जाए चमड़े पड़ जाए तो इनको डबल पेन होगा दुगनी दिक्कत होगी, इनको नीचे लेटने में प्रॉब्लम होगा बैठने में प्रॉब्लम होगा चल फिर नहीं पाएगा टॉयलेट नहीं कर पाएगा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। तो ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर्स जो मौजूद था उनके लिए भी एक लेसन था और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जल्दी हील नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे लोग बैठने का कोशिश करेगा स्किन स्ट्रच होता जाएगा पेनफुल होता जाएगा। ओके आगे की ओर आप लोग देख पाएगा पनिशमेंट ड्रेस, अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये आप लोग देख पाएगा यहाँ पे पनिशमेंट ड्रेस। तो इस जेल के अंदर पूरे 693 रूम्स था और हर एक रूम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, एक रूम में एक ही कैदी को रखता था, इनको कभी आपस में बातचीत करता हुआ पकड़ा गया या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ किसी ने आर्गुमेंट की ऐसे सारे केसेस में पनिशमेंट पीरियड डिक्लेयर करते हुए इनको इस ड्रेस को पहनाया जाता है। और पनिशमेंट ड्रेस पहनने से क्या होगा इनके ऊपर इचिंग रिएक्शन स्किन डिजीज एलर्जी ये सारे प्रॉब्लम्स होती थी इनको, उसी तरह नॉर्मल ड्रेस आप लोग देख पाएगा वैसा होता है। नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ देखिए यहाँ पे तीन किस्म के फिटर्स भी रखा हुआ, एक है चेन फिटर दूसरा बार फिटर और लास्ट वन है क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर जो है फ्लेक्सिबल होता है, आमतौर पर आप लोग देख पाएगा चेन है चेन तो फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर किसी को भी चेन फिटर पहनाया गया तो कम से कम ये लोग बैठ सकता है खड़ा हो सकता है चल फिर सकता है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। कंपैरेटिवली देखिएगा बार फिटर में क्या है कमर से लेकर पूरे पाँव के एंड तक बड़ा सा रॉड है, अभी रॉड बेंड नहीं होगा जिस वजह से लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाएगा, अब जब कोई नीज को बेंड नहीं कर पाएगा तो बैठ नहीं पाएगा घंटों इनको खड़ा रहना होता था। और सबसे टफ वाली है सबसे लास्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर, उसमें आप लोग देख पाएगा दोनों पाव के बीच में एक एडिशनल बार भी लगाया गया ऐसे, तो क्या होगा पाव को नजदीक नहीं कर पाएगा फैला के ही रखना होगा और अगर चलने फिरने की कोशिश करेगी तो पाव के दोनों साइड में चोट लग जाएगा, उसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर। उसी तरह ये है नेक रिंग, इनको जब जेल के अंदर लाया जाएगा गले पे एक रिंग पहनाया जाता है जिसको बोलते हैं नेक रिंग, ये नेक रिंग जिसको आपस में रिपीट किया जाएगा उस पर एक लकड़ी का पीस जिसमें लिखा मिलेगा इनको कितने साल से कितने साल तक इस जेल के अंदर रखना चाहिए क्या चार्जेस इनके अगेंस्ट में है कब रिलीज किया जाएगा ये सारे डिटेल्स जो इस पे लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए पीछे की ओर कुछ पेंटिंग्स आप लोग देख पा रहे हैं जिसमें पहला स्पॉट है रॉ सैलेंट नेक्स्ट टू दैट सिल्वर जेल द लास्ट स्पॉट दैट इज वाइपर जेल,
रॉस आइलैंड वही आइलैंड है जिसपे ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का पहला सेटलमेंट का शुरुआत किया गया, यानी कि 1857 आजादी की जब पहली लड़ाई शुरू हुई थी, तुरंत एक साल बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान के अंदर पूरे 200 फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया, यानी कि 10 मार्च 1858। तो इनका आइडिया यही था कि इन फ्रीडम फाइटर्स जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इनको किसी ऐसे जगह पर आइसोलेट किया जाए था कि बाकी लोग इनसे कोई इंस्पायर ना हो या फिर कोई आइडियाज ना ले पाए। ऐसे में जो है सबसे पहले उन 200 फ्रीडम फाइटर्स को इसी आइलैंड के अंदर लाया गया और ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का पहला सेटलमेंट की शुरुआत की गई, जिसको पेनल सेटलमेंट का नाम दिया गया, पनिशमेंट सेटलमेंट। उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान का पहला जेल बनाया गया जो था वाइपर जेल। 1864 से 67 के बीच में वाइपर जेल बनवाया गया, जो सेपरेट आइलैंड मैंने आपको बताया वाइपर आइलैंड, उसके अंदर ऊपर के हिस्से में जो आप देख पा रहे हैं ताजमहल की तरह जो देख पा रहे हैं वो वहाँ का फांसी घर है जिसपे शेर अली को फांसी चढ़ाया गया। उसके बाद थर्ड स्पॉट यह है सलवर जेल जहाँ पे अभी आप लोग मौजूद है। तो ये तीनों स्पॉट जो अंडमान के अंदर बहुत ज्यादा हेरिटेज वैल्यू रखती है। अब हम चलेंगे रूम्स की ओर, तो प्लीज पीछे एक ग्रुप आ रहा है उनको डिस्टर्ब नहीं होना, आप लोग आ जाइएगा बाहर। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख पाएगा विंग्स का सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। ओके, हर विंग्स को जो है सेंट्रल टावर के साथ जुड़ने के लिए बीच में कनेक्टिविटी दी गई थी, कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म। मैं आपको अंदर मॉडल में बताऊंगा उस चीज के बारे में। तो ये जो तीनों फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर पे पहला रूम आप लोग देख पाए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देख पाएगा फर्स्ट जो रूम है जिसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब बाकियों से अलग है, वो होता था सिक्योरिटी गार्ड, उन्हें एक ओपन टाइप होते थे जिसमें आप लोग देख पाएगा ना, एक नॉर्मल टाइप है और उसका बड़ा टाइप होता था, वो जो है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए होता था। और सिक्योरिटी गार्ड्स उस रूम में रहते भी थे, साथ साथ उसी रूम के अंदर टेलरिंग का भी काम होता था, जैसे कि पनिशमेंट ड्रेस जो आप लोगों ने देखा उस चीज़ को जो है वहाँ पे स्टिच कराते थे। और वहीं पे जो है ये लालटेन वगैरह भी होता था जिससे हर विंग्स पे लोग वॉच कीप भी किया करते थे। ओके, तो हम आगे की ओर जाएंगे जहाँ पे एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ जिसको देख के आगे बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आगे बढ़ते वक्त हर एक जगह पे जो है हाइट कमती है, शॉर्ट हाइट है, सर बचाते हुए चलना है। ओके, तो देखिए सर अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये इस जेल का सेंट्रल टावर का निचला हिस्सा है, यानी कि ये जो देख पा रहे हैं आप लोग सेंट्रल टावर है, इसके नीचे के हिस्से में आप लोग मौजूद है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जब इस जेल को बनवाया गया इसके अंदर टोटल 7 विंग्स आप लोग जैसे कि मॉडल में यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आप लोग नोटिस किया होगा हर एक विंग्स जो है यहाँ पे अलग अलग साइज है, किसी का साइज देखिए बहुत बड़ा है तो किसी का बहुत छोटा है। क्या कारण था, जेल बनने से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को काटा गया सी लेवल से 60 फीट लेवल करते हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा उन दिनों इस जेल को यहाँ पे बनवाया गया। तो उस वक्त उनको जैसे जैसे स्पेस मिला, जैसे जैसे जगह मिली, उस हिसाब से विंग्स को बड़ा छोटा बनाया गया। तो देखिए जाते हुए आप लोग मेरे साथ इसके ऊपर तक जा पाएगा जहाँ से आप लोग बहुत सारे आइलैंड्स भी देख पाएगा, हर एक आइलैंड का कुछ ना कुछ हेरिटेज वैल्यू है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन बिटवीन सेकंड फ्लोर जहाँ पे मैं आपको विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बताऊंगा, वीर सावरकर जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट बनाया गया है। तो जाते हुए आप लोग ध्यान दीजिएगा सर बचाते हुए जाना है। अब हम जिस सीढ़ी से ऊपर चलेंगे उसी सीढ़ी से आप लोगों को नीचे उतर के आना है वापस, वापस आते वक्त एक एक फैमिली आराम से यहाँ पे फोटोग्राफीज करके जा सकते हो, उस वक्त एक खाली मिलेगा। ओके, हम चलेंगे ऊपर के सेकंड फ्लोर, सर बचाते हुए चलेगा। अभी हम जहाँ पे मौजूद है इस जेल का सेंट्रल टावर का बीच का हिस्सा है। अब इसी सेंट्रल टावर के साथ सारे विंग्स को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिविटी दी गई थी, कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म जिसे अभी आप लोगों ने क्रॉस किया, ये जो वुडन स्ट्रक्चर है ये अभी परमानेंटली फिक्स हुआ, अदरवाइज पहले ये अटैचेबल था, रिमूवेबल था। तो टोटल ये जो 7 विंग्स था, इन 7 विंग में सिमिलैरिटी क्या था, ऊपर के लास्ट रूम यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम जो है यहाँ पे डबल डोर सिस्टम होता था जिसपे फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पढ़ा लिखा फ्रीडम फाइटर्स या फिर ऐसे ही लोगों को रहते थे जिनसे ब्रिटिशर्स को खतरा हो। जैसे कि इस विंग के लास्ट रूम में विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान का एयरपोर्ट बनाया गया। तो देखिए फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर काम करते हुए सावरकर जी को ब्रिटिशर्स के द्वारा लंदन में अरेस्ट किया था, लंदन में उस वक्त अपना लॉ कर रहा था। कहते हैं कि उस वक्त भारत में आज़ादी की मोमेंटम बहुत तेज थी, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाते हुए इनको अरेस्ट किया लंदन में, और वहां से बाई शिप लाते वक्त फ्रांस के मार्शलस फोर्ट में जिस जहाज में उनको लाया जा रहा था उस जहाज से उन्होंने जंप किया और स्वैम करता हुआ फ्रांस एस्केप कर गया था, भाग गया था। उसके बाद फ्रांस के ऑफिसर्स द्वारा बाद में उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स को एंडोर किया, इंडिया लाया गया, ट्रायल वगैरह की और पूरे 50 साल का सजा सुनाते हुए अंडमान के इस जेल में उनको लाया गया 1911 में। तो 1911 से लेकर 1921 तक यहाँ पर रखा गया पूरे 10 साल।
50 में से जब 10 साल का सजा खत्म हुआ उस वक्त यहाँ से पहला ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस भेजा गया, तो इनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया रत्नागिरी जेल। अगले 3 साल तक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में रहने के बाद 1924 में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको नजरबंद करते हुए रिहा किया, होम अरेस्ट किया गया और कंडीशन दिया गया कोई फ्रीडम स्ट्रगल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अनदर 5 ईयर्स तक पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ऐसे में जब एक बार रिलीज होने के बाद सावरकर जी 1966 तक जिंदा थे, इंडिपेंडेंट के बाद 66 में इनका निधन हुआ जब इनका एज था 83 ईयर्स। यहाँ से लास्ट वाली रूम उनके नाम से डेडिकेटेड है, जिस रूम में एक छोटा सा लकड़ी का बेड, एक कंबल और उनके एक फोटोग्राफ भी रखा हुआ है। अभी हम जहाँ पे मौजूद है इस जेल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, इसको बोलता है वॉश टावर। ये जो वॉश टावर है पहले पूरा रेड ब्रिक्स लाल ईंट का बना हुआ था, टूटने के बाद जो इसको लकड़ी का शेप दिया गया है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल करते थे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेल था जो इस जेल का अलार्म की तरह यूज होते थे। तो टोटल ये जो 7 विंग्स थे, जैसे मैंने आपको मॉडल में एक्सप्लेन किया था, ये जो देख पा रहे हैं नंबर 1, ये है नंबर 7 और वो है नंबर 6। नंबर 6 आप लोग नीचे से देख नहीं पा रहा था, तो आप लोग ऊपर जा सकते हो, उसके फोटोग्राफीज वगैरह कर भी सकते हो वहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा कॉर्नर पे नहीं जाना। बाकी के 4 विंग्स इस तरफ में था जहाँ पे टूटने के बाद अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया। जो ब्लू शेड आप देख पा रहे हैं ये हॉस्पिटल है जीवी पंत। इस हॉस्पिटल में सारे ट्रीटमेंट, डॉक्टर, मेडिसिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है थ्रू आउट वर्ल्ड सभी के लिए। 1964 में इस हॉस्पिटल को बनवाया गया था। अब आप लोग देखेंगे मेरे यहाँ से हाथ की ओर से आगे आइलैंड्स पे, देखिए सीधे सामने जो आइलैंड देख पा रहे हैं वो है रॉस आइलैंड, जिसके बारे में मैंने आपको नीचे पोर्ट्रेट में एक्सप्लेन किया था। ओके, वो है रॉस आइलैंड। अब देखिए इस तरफ हाथ की ओर से इस तरफ ये जगह पड़ता है नील और हैवलॉक, लेकिन आज विजिबिलिटी के कम चलते आप लोग यहाँ से देख नहीं पा रहे, अदरवाइज यहाँ से बहुत ही क्लियरली दिखता है नील और हैवलॉक आइलैंड। अब आप लोग मेरे हाथ पे ध्यान देंगे और आइलैंड्स पे देखेंगे, देखिए इस तरफ ये है नॉर्थ बे, नॉर्थ बे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ले जाते हैं। उसके ठीक सामने है वाइपर जेल जो सबसे पुराना जेल है, वाइपर यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, अब देखिए सेलो जेल का नाम किस लिए रखा गया, लॉट्स ऑफ सेल्स के वजह से। एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोलते हैं, तो इस जेल के अंदर पूरे 693 रूम्स थी, मल्टीपल सेल की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान को काला पानी की सजा किस लिए बोलते हैं, एक्चुअल जो वर्ड है वो है काल पानी की सजा। काल, काल संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु, यानी कि उस वक्त अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था, इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे। लेकिन टाइम चलते चलते लोगों ने इसको काला पानी बना दिया। तो देखिएगा जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से था उनके लिए मेरा जेल का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अगर आप में से किसी को कुछ डाउट बनता है तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग अपना टाइम मेंटेन करते हुए, अपना टूर कोऑर्डिनेटर जो टाइम दिया हुआ उस टाइम मेंटेन करते हुए आप लोग यहाँ पे सेफली फोटोग्राफ्स वगैरह करते हुए यहाँ से नीचे उतरोगे। तो ध्यान दीजिएगा जाने से पहले एक बात है, आप लोग जब यहाँ से अपना मेनलैंड पे जाओगे, अपने एरिया पे जाओगे, तो आसपास पे जो छोटे छोटे बच्चे लोग जो रहते हो, जो फेसबुक व्हाट्सएप में जो बिजी रहते हो, उनको प्लीज़ एक बार जरूर बताइए कि कितने तकलीफ से भारत आज़ादी हुआ और फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल किया उसके लिए आज हम लोग अच्छा सांस ले रहे हैं। और साथ साथ जाने से पहले प्लीज़ अंडमान को भी साफ़ सुथरा रखिएगा और अपना भारत को भी साफ़ सुथरा रखिएगा। ओके, थैंक यू।